ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की ग्लोइंग स्टार फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आपको जितने बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो में गाइस मैं आपको बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड यूज करने वाला हूं गाइस वो बैकग्राउंड आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। एंड जो PNG वगैरह होंगे सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा मतलब कि वीडियो को देखते वक्त ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि आपको क्या क्या चीज कहाँ मिलेगी, आप सिंपली लिंक पे क्लिक करना, आपको वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट चेक कर लेना, आपको सारी चीजें वहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है क्या, आप सभी को गाइज पहले तो अपनी अभी इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मतलब कि पूरा रिमूव है मॉडल, उसमें आप उसको डाउनलोड कर लेना। एंड इसमें आपको अपना मॉडल ऐड करना है, देन गाइज आपको ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आपको ये स्टार का PNG ऐड करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड जो स्टार का PNG ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे इरेजर टूल में जाना है, इसको हार्डनेस को फुल करना है। एंड गाइज यहाँ से आप सभी को उसका नीचे के लिए इरेज कर देना है। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली डन करके आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है वाला PNG, ठीक है, लाइट का। एंड इसके बाद आपको लाइट का PNG को ऐड करने के बाद आपको जाना है गाइस एडजस्ट वाले ऑप्शन में, एंड आपको जाना ह्यू में। देन गाइस आपको यहाँ पे सिंपली रेड कलर को सिलेक्ट करके एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे डन करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना, आपको यहाँ पे कर देना इसको स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से आपको उसका साइज इंक्रीज करके कैसे रख देना है, ठीक है। एंड गाइस वैसे मेरे ख्याल से ना ये स्क्रीन में ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें एक बार यहाँ पे लाइटन करके देख लेना है। एंड गाइस लाइटन ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि ब्राइट भी हो रहा है तो आपको लाइटन रखना है। एंड गाइस जितना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ ओपेसिटी चाहो तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कुछ एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है नहीं, तो अभी हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हम कुछ स्टेप इसका साइज रखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको पार्टिकल का PNG। एंड गाइस उसके बाद आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है। एंड गाइस इसका पहले आपको फुल स्क्रीन करना है। एंड गाइस डन नहीं करना है फुल स्क्रीन करने के बाद, ठीक है, आपको जाना है ऐसे इरेजर टूल में, फिर यहाँ से इरेजर टूल में जाना है। एंड यहाँ से आपको करना है इन्वर्ट एंड ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको अपने जो ऊपर वाला जो एरिया आपको सिंपली इस जगह पे आपको ऐसे पेंट करना है, ओके, इस तरीके से। एंड जो थोड़ा साइड का एरिया है उसको आपको थोड़ा सा इरेज कर लेना, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज करके एंड यहाँ पे इरेजर टूल से हम थोड़ा सा ऐसे इरेज कर लेंगे। एंड ऐसा ब्रश में जाकर वापस से हम पेंट करेंगे गाइस कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है। यहाँ पे चाहो तो आप इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है डन, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ पे ऐड करना आपको एक पार्टिकल का PNG, तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में एंड इसको यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन। एंड गाइस कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे स्टार के पास कुछ इस टाइप से ऐसे रख देंगे इसको बड़ा करके, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे जो पैरों के पास आ रहा है आपको इस वाले एरिया को इरेज कर लेना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे साइज इंक्रीज करके एंड ओपेसिटी कम करके एंड यहाँ से परफेक्ट, ठीक है गाइस। तो इतना कर देने के बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन। एंड गाइस जितना काम तो हमारा हो चुका है, अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को इसको सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है ऐसे लाइटरूम में। एंड रीटच के पास तो हमारी फोटो एकदम अमेजिंग होने वाली है। सो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको जाना है ऐसे लाइट वाला ऑप्शन में। एंड गाइस उसके बाद आपको उसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। एंड गाइस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद आपको उसका जो हाईलाइट है इसको आपको इंक्रीज करना है। एंड जो इसका शेडो है इसको थोड़ा सा कम करना है। एंड गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको व्हाइट, आपको उसको इंक्रीज करना है। एंड जो ब्लैक है जिसको थोड़ा कम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा टेम्परेचर है जो उसको कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको कलर मिक्स में जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना ऑरेंज कलर, रेड कलर। एंड इसका जो ह्यू है आपको उसको थोड़ा माइनस करना है एंड सैचुरेशन जो थोड़ा सा प्लस करना है, ओके गाइस। सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जाना आपको ब्लू कलर में। एंड उसके बाद आपको उसका ह्यू माइनस एंड सैचुरेशन भी थोड़ा माइनस, फिर जाना डार्क ब्लू में इसका ह्यू थोड़ा माइनस एंड इसका सैचुरेशन भी थोड़ा सा माइनस कर देना, ताकि ज़्यादा मतलब ब्लू कलर ना दिखे। एंड थोड़ा ल्यूमिनस भी कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपको फोटो की थोड़ी क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है एंड फोटो में थोड़ा सा डाल देना विग्नेट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपका मिलेगा ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो इस फोटो में विग्नेट नॉइज रिडक्शन है आपको उसको डाल देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।